नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। यूपी के चुनावी घमासान में नेताओं की जुबान तलवार बनकर एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। इस जुबानी जंग में कई बार भाषा की मर्यादा भी टूटी। यूपी में कैसे चले शब्दों के बाण, आप भी सुनिए। मैंने सोचा आप लोग हंसी आई होगी, मुझे बड़ा तरस आई, क्या हो गया इस कांग्रेस के नौजवान नेता को, चुनाव चार महीने पहले इसने खाद पकड़ लिया, फिर आप क्या रहे। अखिलेश यादव के नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के दो रूप है। अगर कोई बड़ा भाई है तो दूसरा छोटा भाई है। क्या अखिलेश कह रहे कि गंगा की सौगंध खाकर कहो, असदुद्दीन अवैसी अखिलेश से कहता है कि तुम गंगा की कसम खा कर कहो कि तुमने मुजफ्फरनगर में इंसाफ किया या नहीं किया। ये डिंपल बड़ी नाजुक सी बोलती फिर रही है, जरा दो दिन इन महिलाओं के साथ काम करके देखे, पूरी नजात तक खड़ी रह जाएगी और लोग सामने आ जाएंगे। चुनाव के समय तो निकल आए हैं जैसे मैं निकल करके आ जाते हैं, चुनाव का समय आया और इंदिरा गांधी के परिवार के लोग आ जाते हैं, सोनिया गांधी के, चुनाव का समय आया और अखिलेश के परिवार के लोग आ जाते हैं, ये तो बरसात के मेंढक की तरह टेरिटरी पकड़ने के लिए आ जाएंगे और फिर बाद में वापस चले जाएंगे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, आप देखते रहिए।